हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैंने आज घर पे ही पूजा की है। आज मैं दो बार में मंदिर में जाके जल चढ़ाती थी, दो चढ़ाती थी और प्रसाद सब चढ़ाती थी। आज मैंने घर में मंदिर में पूजा करी है और मेरे छोटे शिवलिंग जी हैं उन्हीं पे मैंने पूजा करी हुई है और मैंने सब पूजा पाठ हो गया है मेरा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मंदिर मेरा कैसा है। ये मेरा मंदिर, ये मंदिर मैंने इसे सजा के रखा हुआ है और मैं दो सोमवार तो मंदिर में जाकर मैंने जल चढ़ाया था। आज मैंने घर में शिवलिंग में जो मेरे छोटे शिवलिंग जी हैं उन पे मैंने प्लेट में रख के उन पे शिव भगवान जी पे जल चढ़ाया हुआ है। तो आज मैंने घर पे ही पूजा करी है बढ़िया से। व्रत के लिए मैंने ये आलू उबाले हुए हैं। आज फलाहारी में व्रत है तो मैं फलाहारी खाऊंगी। आलू मैं फ्राई करूंगी और सेंधा नमक डाल करके इसको खाऊंगी। ये ब्राउनी घूम रहे हैं, ये बैठे हुए हैं आराम से। इन्होंने भी खाना वाना खा लिया है और जहाँ मैं रहती हूँ ये ब्राउनी भी आ जाते हैं अपना बैठे हुए मम्मी के पास। ये देखो, हाँ सबसे हेलो बोलो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फलाहारी वाले आलू बना लिए हैं और मैंने आलू को पहले बॉईल करके रखा था जो आपको दिखाया था मैंने, और इसको मैंने जीरे में डाल के फ्राई कर दिया है। और इसमें मैंने हरी धनिया डाली है, नींबू डाला है, हरी मिर्ची डाली है और सेंधा नमक डाला है। तो ये मेरे व्रत वाले आलू बन करके तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से इसमें मूंगफली भून ली है, इसमें सेंधा नमक डाल दिया है, इसे मैं आलू के ऊपर डाल दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है और मैं अब जा रही हूँ थोड़ा कुछ खाने। सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो मैंने अपनी फलाहारी बना ली है और मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी अच्छी सी चाय बनाऊंगी और चाय के साथ ये आलू खाऊंगी और बाद में साबुदाने की खीर खाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय।